मैं मर नहीं रहा हूँ बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। वंदे मातरम। फांसी पर चढ़ते समय भी ऐसी हुंकार भरने का जज्बा था काकोरी कांड के वीर क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का, जिन्हें काकोरी कांड में 17 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश की गोंडा जेल में फांसी दी गई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में काकोरी कांड का बड़ा महत्व है। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी में तो जन्म से ही क्रांतिकारी खून दौड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि इनके जन्म के समय इनके पिता क्रांतिकारी क्षिति मोहन लाहिड़ी और बड़े भाई बंग भंग आंदोलन में कारावास का दंड भोग रहे थे। काशी में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की शिक्षा दीक्षा हुई और वहीं उनका संपर्क प्रख्यात क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल से हुआ। लाहिड़ी जी की फौलादी दृढ़ता, देश प्रेम तथा निश्चय की अडिगता को पहचान कर उन्हें क्रांतिकारियों ने अपनी अग्रिम टोली में भर्ती कर दिया। वह गुप्त बैठकों में बुलाए जाने लगे। कानपुर, शाहजहांपुर, बनारस, इलाहाबाद, इन केंद्रों पर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने में लहरी, सान्याल, बिस्मिल, गेंद्रलाल दीक्षित, मनमाथलाल गुप्त, ये सब लोग सम्मिलित रूप से कार्यरत थे। क्रांतिकारियों के चल रहे आंदोलन को गति देने के लिए तत्काल धन की आवश्यकता थी। इसके लिए अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई गई। योजना के अनुसार 9 अगस्त 1925 को शाम के 6 बजे लखनऊ के पास काकोरी से छूटी गाड़ी में जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया गया। काम पूरा कर सब तितर बितर हो गए। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह सहित 19 अन्य क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। पकड़े गए सभी क्रांति वीरों पर शासन के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने एवं खजाना लूटने का अभियोग लगाया गया। इस कांड में लखनऊ की विशेष अदालत ने 6 अप्रैल 1927 को निर्णय सुनाया, जिसके अंतर्गत राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां को मृत्यु दंड दिया गया।